हेलो स्टूडेंट, मैं सर विजय राजपूत आपका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल विजय कोचिंग क्लासेस पर, जो एक या दो या तीन चैप्टर नहीं, आपको आपका पूरा एकेडमिक सिलेबस आपके ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है आपका नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने कुछ आपको फंडामेंटल डेफिनेशंस आपको बतानी है, जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या है नंबर फर्स्ट? आपका नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? अगर आपसे गाइस कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट आप बताएंगे नेचुरल नंबर, नंबर्स फ्रॉम वन ऑनवर्ड आर नोन एज अ नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी क्या बोलेंगे? नंबर्स फ्रॉम वन ऑनवर्ड आर नोन एज अ नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय, या बोल सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सो कैपिटल एन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कैपिटल एन इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन। ये आप बोल सकते हैं कि विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सॉरी विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, यानी कि वे नंबर, वे संख्याएं जो वन से स्टार्ट होती हैं आपके इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी अगर हिंदी बोले तो प्राकृत संख्या है, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? कि विच नंबर, दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, तो नोन एज नेचुरल नंबर। या आप बोल सकते हैं नंबर्स फ्रॉम वन ऑनवर्ड आर नोन एज नेचुरल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सो कैपिटल एन का मतलब मीन्स है नेचुरल, यानी नेचुरल मीन्स क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। सो नेचर का, नेचुरल का पहला कैपिटल लेटर क्या है आपका? कैपिटल एन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ओके गाइस, सो सेकेंड टाइम क्या है आपका? होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड आर नोन एज होल नंबर, यानी नंबर्स फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड आर नोन एज होल नंबर। या आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी कि वे नंबर्स, यानी वे नेचुरल नंबर्स जिनमें जीरो को ऐड कर देते हैं। जब जीरो को ऐड किया जाता है तो जो नंबर्स का फंक्शन आपको प्राप्त होता है, जो नंबर्स आपको फाइंड आउट किए जाते हैं, जो कलेक्शन आप नेचुरल नंबर फाइंड आउट होता है, उसको आप कहते हैं होल नंबर। सो आप बोल सकते हैं नंबर्स फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड आर नोन एज होल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। सो कैपिटल डब्ल्यू से कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को लिखते हैं आप होल नंबर। तो होल का आपका होल नंबर, देखिए होल जो वर्ड आपके पास यूज करते हैं, होल का फर्स्ट लेटर क्या है आपका? कैपिटल डब्ल्यू, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। सो फॉर एग्जांपल कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट टू 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी नंबर्स आए आपके क्या है? नेचुरल नंबर, जो आपके नेचुरल नंबर में दे रखते हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या है आपके? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट टू 1। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 5 डॉट टू 1, सो आप इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, और प्लस ये जो जीरो ऐड करके रखा है जीरो, तो आ जाएगा आपका, ऐसे भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज नोन एज होल नंबर। या आप बोल सकते हैं कि नंबर्स फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड आर नोन एज होल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, सो डब्ल्यू इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, थर्ड नंबर क्या है आपका? इंटीजर, यानी कोई पूछे व्हाट इज इंटीजर, यानी इंटीजर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या इंटीजर्स है, कैसे इंटीजर को डिफाइन करेंगे? सो आप कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ नेचुरल नंबर, एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, आर कॉल्ड इंटीजर। यानी क्या बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड आर कैपिटल आई। यानी सम बुक्स में आपको कैपिटल जेड भी दिया होगा और सम बुक्स में आपको कैपिटल आई भी दिया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे रिप्रेजेंट करते हो। बट होना क्या चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स,
यानी होल नंबर्स जितने हैं तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर्स में जो कलेक्शन आएगा तो होल नंबर का कलेक्शन और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे उनका नेगेटिव नंबर, यानी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, यानी इस कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड और फिर कैपिटल आई से। सो फॉर एग्जांपल कैपिटल जेड आर कैपिटल आई इक्वल टू -3 -2 -1 डॉट समान, यानी जीरो क्या है आपका, अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो व्हाट इज जीरो, यानी जीरो इंटीजर है, होल नंबर है, क्या है आपका, तो आप तुरंत बताएंगे कि जीरो आपका एक तो होल नंबर भी है और जीरो आपका इंटीजर में भी आता है, जीरो आपका होल नंबर भी है, जीरो आपका इंटीजर में भी आता है। तो आप बता देंगे -3, यानी आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म, यानी -∞ to +∞। तो आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 जीरो डॉट डॉट वन, यानी 1 2 3 डॉट डॉट वन, यानी आपके इनफाइनाइट नंबर्स भी आपके होंगे और फाइनाइट नंबर्स भी आपके होंगे। ओके, माइनस इनफाइनाइट नंबर और प्लस इनफाइनाइट नंबर, इन नंबर्स के कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, इंटीजर। ठीक, सो आगे क्या है आपका रेशनल नंबर, यानी फोर्थ डेफिनेशन है आपकी रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ पी अपॉन क्यू, a number expressed as a p upon q where q does not equal to zero, यानी जिसमें आपका q जो होना चाहिए, जिसको बोलते हैं denominator, तो denominator क्या होना चाहिए आपका, q does not equal to zero, यानी zero के equal नहीं होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं a number expressed as a p upon q where q does not equal to zero and p and q क्या होना चाहिए, both are integer, p and q बोथ आर इंटीजर, यानी पी और क्यू क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी आपके पूर्णांक होने चाहिए। सो इज नोन एज अ रेशनल नंबर, इज नोन एज अ रेशनल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप यहाँ पर हमने बोल दिया है कि इट इज डिनोटेड बाय, आप रिप्रेजेंटेड कह लो डिनोटेड कह लो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी रिप्रेजेंटेड प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड प्रदर्शित करते हैं, मीन दोनों का सेम है, सो आप डिनोटेड भी लगा सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेड भी लगा सकते हैं। सो मैंने लगा दिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू का मतलब है क्यूसेंट, क्यूसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आ जाएगा क्यूसेंट, यानी कैपिटल क्यू इक्वल टू 1/2 3/4 7/5 डॉट सो ऑन, ये जितने भी आपके फ्रैक्शन नंबर आएंगे सभी कैसे होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे, बट होगा क्या आपका q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जो आना चाहिए वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर आपका जीरो भी हो सकता है, न्यूमरेटर आपका जीरो भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि अगर आपके पास जो न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, जैसे मान लो समथिंग नंबर ये रखा है 3/0, अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तो समझ लो कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, ऑलमोस्ट आपको इनफाइनाइट नंबर मिलता है, और इनफाइनाइट नंबर को आप बता नहीं सकते कि आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका न्यूमरेटर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर जीरो का मतलब है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर जीरो आ रहा है और न्यूमरेटर में कोई भी संख्या आपकी आ रही है डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर आपका जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो रहा है, तो जब हम आपको इतना पता होगा या नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि जब किसी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जीरो ही प्राप्त होता है, ऑलमोस्ट आपको जीरो ही प्राप्त होता है, और जीरो इज अ रेशनल नंबर, यानी जीरो को आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा वहाँ आप ऑलमोस्ट वन डिनोमिनेटर मान सकते हैं। सो जीरो इज अ रेशनल नंबर, अगर आपसे पूछता है जीरो इज अ रेशनल नंबर सो आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0/1, यानी वी कैन राइट दैट 0/1, यानी फेयर 1 क्या है आपका डिनोमिनेटर है, यानी q इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 0, बोथ आर इंटीजर, यानी 0 भी इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है, तो 0 को आप रेशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। ओके श्योर, सो आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल q इक्वल टू 1/2 3/4 7/5 समथिंग, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका फ्रैक्शन में हो, लेकिन कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि p एंड q आपके होने चाहिए इंटीजर, एंड पी एंड क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके,
पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके सो आगे देखिए, आगे अगला नंबर है आपका इरेशनल नंबर, फाइव नंबर है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखोगे आप? तो इरेशनल नंबर को लिखेंगे अनंबर, अनंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड एंड इट्स डेसिमल, एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग इज नॉन एज, इज नॉन एज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टू पावर सी, यानी सी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्यू यानी क्यूसेंट, कॉम्प्लेक्स क्यूसेंट इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूसेंट यानी क्यू टू पावर सी, इसको आप इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या आएगा इरेशनल नंबर के लिए देखें तो आ जाएगा क्यू सी इक्वल टू अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव डॉट फाइव 1.732105 डॉट वन ETC ठीक है फाइव ETC, यानी कहने का मतलब है कि इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर क्या है अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी बे नंबर, बे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है आपके पास, सेकेंड कंडीशन दे रखी है एंड इट्स अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग एक साइकिल के बाद वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे जैसे मान लो कि ये कोई नंबर दे रखा 1.234567833 ऐसे करके अगर नंबर दे रखा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वे नंबर्स जिनका हमको एंड पॉइंट नहीं मिलता, जिनका हमको एंड पॉइंट नहीं मिलता। सो वाइज यहाँ पर ये नंबर दे रखा है आपके पास, इस नंबर में कोई एंड पॉइंट आप नहीं बता सकते हो कि इस नंबर का एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि ये डॉट डॉट सो ऑन तक जा रहा है, इसका कोई लास्ट पॉइंट हमें नहीं मिला है, जिन नंबरों का हमें लास्ट पॉइंट नहीं मिलता है उनको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, यानी कहने का मतलब जिनका हमको एंड पॉइंट नहीं मिलता उनको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी सॉरी क्या लिखा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहने का मतलब जिसका आपको एंड पॉइंट मिल जाए, सॉरी
मैं थोड़ा गलत बोल गया, यानी कहने का मतलब है कि जिनका हमको एंड पॉइंट मिल जाए, जिनका एंड पॉइंट ना मिले वो आपके टर्मिनेटिंग, जिनका एंड पॉइंट ना मिले, जिन नंबर्स का एंड पॉइंट ना मिले वो आपके नंबर्स क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग, और जिनका एंड पॉइंट मिल जाए उनको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, यानी जिनका एंड पॉइंट आपको मिल जाए वो टर्मिनेटिंग, जिनका एंड पॉइंट मिल जाए वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग, और जिनका ना मिले वो टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होंगे, दोज नंबर्स हैज एंड पॉइंट, दोज नंबर्स दिस हैज एंड पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग की बात करें तो क्या आएंगे, दोज नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो आप क्या बताएंगे, दोज नंबर्स विच हैज टर्मिनेटिंग नंबर, विच हैज नॉट एंड पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि वे नंबर्स जिनका एंड पॉइंट आपको ना मिले उनको कहते हैं आप टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग वे नंबर्स जिनका एंड पॉइंट आपको मिल जाए यानी फाइंड आउट हो जाए उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग कह रहा है, नॉन रिपीटिंग यानी जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि एक कॉन्स्टेंट साइकिल के बाद वो नंबर्स आपके बराबर रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो अगर आपके पास नंबर है 1.37237237237 अगर ऐसे करके नंबर आपको दे रखा है तो समझ लो कि यहाँ पर क्या है 372372 एक थ्री डिजिट की साइकिल आपकी बराबर रिपीट हो रही है, थ्री डिजिट की साइकिल आपकी बराबर रिपीट हो रही है, तो इसको कहते हैं आप रिपीटिंग नंबर। तो इसको क्या कहते हैं आप, रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि यही साइकिल आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये साइकिल क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए 37828 समथिंग ऐसे करके नंबर आ जाए, ठीक ऐसे करके नंबर आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ नॉन रिपीटिंग जिसमें एक कॉन्स्टेंट साइकिल के बाद आपके नंबर्स या नंबर्स के डिजिट आपके रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और जिसमें आपकी साइकिल रिपीट होने लगती है, जिसमें एक कॉन्स्टेंट एक यूनिट के बाद एक कॉन्स्टेंट डिजिट के बाद नंबर्स आपके रिपीट होने लगते हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिपीटिंग नंबर। क्या कहते हैं, रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स में एक कॉन्स्टेंट डिजिट के बाद या कॉन्स्टेंट साइकिल के बाद वही डिजिट आपके रिपीट होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं आप टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। जैसे टर्मिनेटिंग अभी जस्ट बताया था 32732732 तो ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये कैसा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी जिसमें आपके नंबर्स एक कॉन्स्टेंट साइकिल के बाद रिपीट नहीं होते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसमें कॉन्स्टेंट साइकिल के बाद नंबर्स आपके रिपीट होने लगते हैं उसको आप क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये रही आपकी बात, रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग होल नंबर और आपके इंटीजर्स। तो अगर इसमें कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर आप हमसे पता कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए 2400 घंटे यानी 24 आवर आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। यानी विजय कोचिंग क्लासेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, डीपली स्ट्रेंथ डीपली नॉलेज फाइंड आउट करके आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोगों की जितनी भी कंटेंट जितनी मेहनत हो सकती है आप लोगों के साथ पूरा मेहनत पूरा साथ आप लोगों का रहेगा। यानी
मेहनत हमारी, विश्वास आप लोगों का रहना चाहिए। एक सीधा सा फंडा है हमारी विजय कोचिंग क्लासेस का, अब इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी हमारा जो इंस्टीट्यूट है एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए डेवलप करने के लिए आपके लिए तैयार है, आपके उज्जवल भविष्य को निखार लाने के लिए और आपके सपनों को साकार कराने के लिए। आपकी जितनी भी एकेडमिक सिलेबस आपका है, पूरा एकेडमिक सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है विजय कोचिंग क्लासेस इन कमालगंज। तो आपसे यही गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जल्द से जल्द दबाने की कोशिश करें। ठीक, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।